जी, तो आज बात करेंगे कि क्या यूनान वीज़े दे रहा है कि नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे वज, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। और सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी मेरे बहन भाई वाइटी पे काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। और जितने मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अच्छा, तो यूनान के वीज़ो के बारे में आज बात करेंगे। मेरे एक दोस्त भाई से बात हुई है तो उन्होंने के बताया कि भाई वीज़े जो है ना यूनान के अभी नहीं लग रहे, रिजेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके पहले तो यही बात चल रही थी कि भाई अभी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने के बाद जब सारे वजीर मुशीर बहाल होंगे उसके बाद देखते हैं कि वीज़े देते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा था वो पास होता है कि नहीं होता। और जितने भी मेरे भाई इस काम में पड़े हुए हैं कि यूरोप जाने के चक्करों में है कि हमारा काम बन जाए, तो प्लीज़ आपने लाजमी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि इससे ये होता है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम फ्रॉड जो चल रहा है वो पाकिस्तान में यूरोप के वीज़ों से भी चल रहा है। पैसे लेते हैं, लेके छः छः महीने सात साल जो है ना उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं जी हमारा आपका वीज़ा नहीं लगा। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे। मैं ख़ुद काफ़ी देर से इस काम पर लगा हुआ हूँ, अल्लाह पाक मुझे जो है ना अपने मकसद में कामयाब करे। तो उसके लिए जब आप, मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि जिससे जो है ना मुझे ख़ुद थोड़ी सी मुश्किल का सामना हुआ था कि जब आप वीज़े के लिए पैसे दें या वीज़े का इरादा करें, सबसे पहले तो आप अपनी डॉक्टरी करवाएं, अच्छी तरह अपना काम जो है ना उसको कंप्लीट करें ताकि सारी मेहनत आपकी ज़ाया ना जाए। जिस टाइम आप कम्प्लीट इस पर कर लेते हैं, डॉक्टरी आपको बताओ कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, तो उसमें जो है ना आप बेफिक्र हो के अप्लाई और वीज़ा दे सकते हैं। उसमें ज़्यादा जो है ना वो ये बीमारी आती है हेपेटाइटिस बी और सी, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो अल्लाह पाक हम सब के जो है ना परेशानियाँ दूर फरमाए। वो जो मेरे भाई मुझसे बात कर रहे थे उनसे यही बात हुई है कि भाई अभी जो है ना हुकूमत भी जो है ना नहीं आ गई है और इलेक्शन भी हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जो है ना इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई कि जिससे पता चल जाए कि यूनान वीज़े दे रहा है और 5 साल का एग्रीमेंट जो है ना वो हो गया है। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जैसे ही कोई इस तरह की वीडियोस या इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है और उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए मैंने अलहदा से आपको वीडियो इंशाल्लाह बना के वो अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं इन सारों मरहले से जो है ना गुज़र रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाई स्टेप साथ साथ बताता जाऊँगा कि मैं इस टाइम जो है ना इस मरहले में गुज़र रहा हूँ। अभी मैं इस्लामाबाद भी एक दो भाई से, वो जो एजेंसी में काम करते हैं, उनसे भी यही बात है, वही भी यही कह रहे हैं कि भाई अभी तक जो है ना वीज़े बहुत ज़्यादा जो है ना रिजेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह करें कि अभी वीज़ा अप्लाई ना करें। तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि भाई कुछ लोग मेरे जो है ना दोस्त गाँव के या साथ के गाँव के चले गए हैं, तो उन्होंने कहा भाई वो उन्होंने पहले से ही अपना जो है ना कागजात जमा करवाए थे तो इसलिए उनके वीज़े आ रहे हैं। अभी जो मतलब अप्लाई हो रहे हैं उनसे जो है ना उससे काफ़ी जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। तो कोशिश करें अपने इस, ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड लोग जो है ना एजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये लीबिया के जो है ना हादसे के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना हर तरफ मोहतात होना शुरू हो गए लोग, लेकिन जिन लोगों ने ये काम करना होता है बेईमानी वाला, वो भाई नहीं देखते हैं कि ये काम आया ठीक है या नहीं ठीक। मैंने तो काफ़ी दिन से ये रिसर्च की है और काफ़ी भाइयों से बात की है, एक मेरे बहुत ही प्यारे हाजी कामरान खान भाई उनसे भी बात मेरी हुई है और एक शायद सारे उनसे बात हुई है और रज़ा इलाही साहब उनसे, ये 3-4 भाई मेरे मुझे अच्छा गाइड करते हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको जैसे ही मुझे कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और अच्छी इंफॉर्मेशन मिली आपको साथ शेयर करूँगा। और कनाडा के जो है ना वो इसमें अभी तक सुनने में आया कि कनाडा के वीज़े इसके लिए भी अलग से मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो अभी तो बात चल रही है जो है ना यूनान की, तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई यूनान की नई इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो कोशिश यही करें कि आप